हरे कृष्ण कृष्ण। तो जो बैठक हो रही थी, चर्चा हो रही, वही ठप हो गई और सारे दौड़े दशरथ महाराज को। स्वाभाविक है, महामुनि छोटे मोटे, बहुत मोटे थे, महान थे, विख्यात थे, विश्वामित्र मुनि। तो उनका आगमन और उनके अपने उनके द्वार पर खड़े हैं, पधारे हैं, तो दौड़े हैं दशरथ मुनि और कहते हैं, मन्ने स्वागतम ते महामुने। स्वागतम है, स्वागत स्वागत है आपका। कम चते परमं कामं करोमि किं हर्षितः। आपका स्वागत भी है और पूछताछ भी हो रही है। कम चते परमं कामं करोमि, मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूँ, या आपकी कौन सी कामना की पूर्ति मैं कर सकता हूँ, या केवल कामम ही नहीं कह रहे, परमम कामम, कई छोटे छोटे काम इच्छा की पूर्ति तो और कर सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हो, मैं महाचक्रवर्ती सम्राट नरेश, अयोध्या नरेश, दशरथ। तो आपकी कोई विशेष कामना है, उसी को कहिए। अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। और कह रहे कि आद्य, आज तो मेरा जीवन सफल है, आप मेरे द्वार पर आए हो, मेरे राजधानी में आए हो, आइए आइए, स्वागत है, पधारिए पधारिए। सफलम जन्म जीवितम चसु जीवितम। तत्श्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतविस्तरम्। और भी कई सारे वाक्य है, इसीलिए विस्तृत वाक्य कहा है। हमने तो आपको एक दो ही सुनाए, तो कई सारे अन्य वाक्य भी है स्वागत के वचन और स्तुति के वचन। दशरथ महाराज ने जो स्वागत किया, तो ये वचन जब सुने हैं विश्वामित्र मुनि, रिष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रो अभ्यभाषत। रिष्ट रोमा, रोमांचित हुए हैं, बड़े हर्षित हुए हैं विश्वामित्र मुनि। वार्म वेलकम, वार्म, कभी वेलकम ठंडा भी होता है, कोई पूछता ही नहीं, आया राम गया राम। अतिथि आए हैं तो आने दो, जाते हैं तो बाय, या बाय के समय अधिक उत्साह दिखाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये तो ये दूसरे जगत की शैली है, शेक हैंड एंड दिस।
सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः। तो जो अनुभव उन्होंने विश्वामित्र मुनि ने यहाँ आज किया है तो न अन्यतः, ऐसा स्वागत, ऐसे वचन, बस महावंशम शोभा शोभनीय है, आपके वंश के लिए शोभनीय है। वशिष्ठव्य अपदेशिनः, और उपदेश जो आपको प्राप्त है वशिष्ठ मुनि का, आप कुलीन हो और आपको आपको पावन संग प्राप्त है वशिष्ठ जी का, उसी का तो ये लक्षण मैं अनुभव कर रहा हूँ। और अब झट से कुछ मतलब की बात विश्वामित्र मुनि करने जा रहे हैं। अहम नियमम आतिष्ठे सिद्ध सिद्धार्थम पुरुषर्षभा तस्य विघ्न करो द्वौ तु राक्षसो कामरूपिनो। दो राक्षस है, हाँ होंगे, मुझे क्यों बता रहे हो, दो राक्षस है, वो कौन है, दो राक्षस है, हाँ आगे बताइए। विघ्न करो, और विघ्न डालते हैं कब, नियम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम, मैं जब यज्ञ के लिए बैठता हूँ कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करने में जब बैठता हूँ तो दो राक्षस वहाँ पधारते हैं। मारिचश्च सुबाहुश्च वीर्यवंतो सुशिक्षितो, वे है, एक है मारिच और दूसरा है सुबाहु, वीर्यवंतो, इसीलिए तो मैं आया हूं, बड़े बलवान है। तौ मांस रुधिर उद्रुधिर ओघेन वेदिं ताम अभ्यवर्षताम। तो यो यज्ञ की यज्ञशाला और यज्ञ की जो वेदी है वहीं पर ऊपर से आकाश से मांस और रक्त का की वर्षा करते हैं, कैसे यज्ञ संपन्न होगा। स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं। विश्वामित्र मुनि के नजर तो दशरथ के पुत्र की ओर है, आपका पुत्र रामम सत्य पराक्रमम, बड़ा पराक्रमी है आपका पुत्र राम, वीरम, वीर है, शूरवीर है, मेदा तुम अर्हसी, उस पुत्र को मुझे दीजिए। क्या क्या कहा आपने, शायद उन्होंने उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ होगा। वीरम ज्येष्ठम मे दातुम अर्हसि, थोड़ा और भी विश्वामित्र मुनि कहे तो है। शक्तो हेश मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाये विनाशने
ये आपका पुत्र राम। अपने स्वबल से, अपने स्वयं के पराक्रम से और साथ ही साथ माया गुप्त, मैं भी सहायता करूंगा, मैं भी रक्षा करूंगा आपके पुत्र की, तो भेजिए दातुमर्हसी। त्रयानामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति। अगर आपका बालक राम वहां आके विनाशाय च दुष्कृतां, उन दुष्टों का अगर विनाश कर सकता है और जरूर करेगा, तो होगा क्या? त्रयानामपि लोकानां येन ख्यातिं भविष्यति। आपके पुत्र की ख्याति होगी, कहां कहां तक पहुंचेगी ख्याति? त्रयानपि लोकानां, सारे त्रिभुवन में, सारे ब्रह्मांड भर में आपके पुत्र की ख्याति होगी। नचतो राम राघवद राघवादन्यो हन्तुम उत्सहते पुमान। और मैं ये भी जानता हूँ, विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पुत्र के बजाय और कोई नहीं सारे सृष्टि में जो इन राक्षसों की हत्या कर सकता है, बस आपका पुत्र ही समर्थ है। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। मैं जानता हूं विश्वामित्र मुनि, अहम वेद्मि। दशरथ महाराज ने सोचा हुआ, पुत्र तो मेरा है, मुझे अधिक पता कि आपको मेरे पुत्र के संबंध में अधिक जानकारी है, आपने तो उस पुत्र को कभी देखा भी नहीं, अभी अभी तो आप पधारे हो और ये सब मेरे पुत्र के संबंध में सारी बातें आप कह रहे हो, ऐसा मन में विचार आया होगा दशरथ के। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, यदि ते धर्म लाभम तु यशस्य परमं भुवि। और ऐसा कार्य तुम करोगे हे दशरथ राजा, अपने पुत्र को अगर भेजोगे तो धर्म लाभम, ये धर्म का बड़ा कार्य होगा, तुम धर्मवीर बनोगे, यशस्य परमं भुवि, और तुम्हारा यश भी फैलेगा भुवि सर्वत्र। स्थिरम इच्छसि, तुम्हारा यश को तुम अगर स्थिर करना चाहते हो, यश को स्थिर बनाना चाहते हो, तो वह रामम मे दातुमर्हसि। पुनः वही प्रस्ताव, तुमको देना चाहिए, राम को भेजना चाहिए मेरे साथ। और अंत में विश्वामित्र मुनि कहते हैं, कुछ ज्यादा समय की बात नहीं है, वैसे आपके राम को बस मेरे साथ दशरात्रम ही यज्ञस्य रामम राजीव लोचनम, बस 10 दिनों के लिए भेज देना, बस 10 दिन वो मेरे साथ रह सकता है। रामम, कैसा रामम? राजीव लोचनम, आपका कमल नयनी श्री राम, राजीव लोचनम पद्मलोचनी श्री राम को मेरे साथ केवल 10 दिनों के लिए भेज दो।
और ये जब सारी बातें सुनी हैं दशरथ जी ने, तो क्या कहा जाए। उन्होंने कहा है ही, उन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामश्य पश्यामि सह राक्षसै। मेरा बालक तो उन षोडश वर्षो, अब षोडश वर्षीय बालक भी नहीं है, उन मतलब कुछ कम है, एक दो साल कम ही है, षोडश वर्षीय भी नहीं हुआ है। राजीव लोचनम, रात्रि के समय जैसे कमल के पुष्प भी बंद होते हैं तो रात्रि को उसको खूब सोना होता है। राजीव लोचनम, तो कहा आप ले जाओगे राक्षस के संहार के लिए, तो डे या नाइट, रात और दिन इसको ड्यूटी, ये तो राजीव लोचनम है। और दिन में तो आंखें खुलती है, रात को तो सो जाता है। कौशल्या को खूब जगाना पड़ता है, उठी उठी गोपाला कहना पड़ता है तो भी उठता नहीं। कहा रखवाली करेगा, क्या कह रहे आप, रामम राजीव लोचनम न योध्य योग्यतामश्य पश्यामि सह राक्षसै। ये युद्ध के लिए योग्य नहीं है, और वो भी युद्ध राक्षसों के साथ। हाय राम, क्या प्रस्ताव रखते हो आप, मेरा राजीव लोचनम, ये राम लोचनी राम और उन षोडश वर्षो वाला ये राम युद्ध करने के लिए योग्य नहीं है। इयम् अक्षोहिनी सेना यशाहम् पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धा अहम् तैर्निशाचरै। अब राम की क्यों मांग कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा। पूरी एक अक्षोहिणी डिवीजन सेना लेके मैं जाऊंगा। अहम गत्वा, वहां जाकर क्या कर, तैर निशाचरई, वो जो निशाचर है, निशाचर वो तो रात्रि के समय उनका आचरण, दिन में तो उस न जाने कहा गुफा में क्या, जो भी रात्रि में जगते हैं, रात्रि के समय अंधेरे में उनका काला धंधा शुरू होता है। जिस समय मेरा बालक सोने का समय होता है, मेरे बालक का वो राजीव लोचनम है, लेकिन मैं आता हूं, मैं युद्ध करूंगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या मे अस्त्र विशारदः। इमे शूराश्च, ये जो शूरवीर है, मेरे भृत्य है, मेरे सेवक है, अस्त्र विशारदः, कई शस्त्र अस्त्रों को चलाते हैं, विशारद है, निपुण है। इसीलिए हे विश्वामित्र मुनि, न रामम नेतुम अर्हसि। वह भी कह रहे थे क्या, दातुम अर्हसि, रामम दातुम अर्हसि, राम को भेजना चाहिए, राम को भेजना चाहिए। यह दशरथ महाराज कह रहे हैं,
न रामम ने तुम हरसि, नहीं नहीं आपको नहीं ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, मैं नहीं भेजूंगा। यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योस्य निशाचरे, अगर मैं आऊंगा तो मैं वचन देता हूं जब तक मेरी जान में जान है तब तक उन निशाचरों के साथ मैं युद्ध करूंगा। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि, अहम गमिष्यामि, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं, चलिए सेना भी लेता हूं साथ में, किंतु न रामम नेतुमर्हसि। दशरथ महाराज आगे कहते हैं, क्या कहूँ विश्वामित्र मुनि जी, षष्टि वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिका कृच्छ्रेणा उत्पादितस्यायं न रामं नेतुमर्हसि। जब मैं 60,000 वर्ष का हो गया तब कृच्छ्रेणा बड़े कठिनाई से मुझे ये बालक प्राप्त हुआ। चतुर्णाम आत्मजानाम ही प्रीति परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम नेतुमर्हसि। मेरे 4 पुत्र तो जरूर है किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र है राम उसमें मेरा विशेष प्रेम है और उसी को आप चुने हो। नहीं नहीं, न रामम नेतुमर्हसि, पुनः पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं। नहीं शक्तोसि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः, मेरा बालक इस सुकुमार बालक श्री राम राजीव लोचनम न शक्तः, ये शक्त सशक्त नहीं है, सामर्थ्य नहीं उसमें। संग्रामे युद्ध में उन राक्षसों के साथ युद्ध खेलने में समर्थ नहीं है मेरा बालक। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरु। आपकी कृपा प्रसाद की भिक्षा मांगता हूं मैं, मुझ पर भी और मेरे पुत्र राम पर भी आप कृपा करो, आप हमारे देवता समान है हमारे लिए तथा आप हमारे गुरु है हे विश्वामित्र मुनि। न रामम ने तुमर्हसि, राम को नहीं ले जाना। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छति इच्छसि राघवानां युक्तोयं कुलस्याश्च विपर्ययः। विश्वामित्र मुनि इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, ऐसे बड़े ही नाराज है, नाराज ही क्या, बड़े क्रोधित हुए हैं और क्या, आपने तो मैं जब आया तो करवानी किम स्वागतम ही, आपने स्वागत है, क्या कर सकता हूं, और ऐसी कुछ विशेष कामना कहिए, हम तैयार है, ऐसे शब्दों में मेरा स्वागत हुआ।
प्रतिश्रुतम पूर्वम प्रतिज्ञाम, आपने प्रतिज्ञा की है, आपने वचन दिए मुझे। कई सारे साक्षी थे वहां उपस्थित थे, वशिष्ठ मुनि भी थे वहां। और अब हा तुम इच्छसी, उस दिए हुए वचन का भंग करना चाहते हो। राघवानाम युक्तो अयम कुलस्याश्च विपर्ययः आहोतो रघुवंशी, रघुकुल के तुम अयोध्या नरेश, ये तो विसंगति होगी आपका, ये बर्ताव आपके कुल का नाशक का सूचक बन सकता है, नाश का कारण बन सकता है। यदि हम ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथा गतम मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्व्रतः। गमिष्यामि, मैं जाता हूं, यथा आगतम, जैसे मैं आया था वैसे जा रहा हूं मैं अभी। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ, मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले तुम दशरथ, सुखी भव, सुखी हो जा। सुहृद्व्रतः, अपने सगे संबंधियों से घिरे हुए रहो, सुखी रहो। मैं जाता हूं, जैसे आया था वैसे ही जाता हूं। तस्य रोष परी तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महात्। और इस रोष, इस क्रोध जो प्रदर्शित किए विश्वामित्र मुनि, चचाल वसुधा, तो धरती में कंपन शुरू हुआ, धरणी कंप। देवानाम च भयं महात्, और देवता सारे भयभीत हुए, कांपने लगे, अब क्या होगा। विश्वामित्र मुनि ने शाप दिया है, शाप जैसे वचन। त्रस्त रूपम तु विज्ञाय जगत सर्वम महर्षिः नृपतिम सुव्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। अब वशिष्ठ जी को कुछ मध्य में आना पड़ा, वे है धीर गंभीर महान ऋषि ही। ओ खूब खूब समझा बुझाते हैं, दशरथ महाराज को। इक्ष्वाकूनां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान सुव्रतः श्रीमान न धर्मं हातुमर्हसि। नहीं नहीं, जिस कुल में आपने जन्म लिया है दशरथ महाराज, वो इक्ष्वाकु वंश उसके लिए शोभा नहीं देता है। आप धैर्यवान बनिए, सुव्रत आपने जो भी वचन दिया है उसको निभाइए। श्रीमान न धर्मम हा तुम अर्हसी, धर्म विरोधी कार्य नहीं करे आप।
स्त्रीषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है, ऐसी ख्याति है आपकी। त्रिषु लोकेषु विख्यातो, इसीलिए अधर्मम ओढ़ुम अर्हसी, अधर्म का भार अपने सिर पर मत उठाइए। फिर करे क्या, रामम विसर्जय, रामम विसर्जय, राम को छोड़ो, विसर्जन करो, समर्पित करो, जाने दो राम को विश्वामित्र मुनि के साथ। न राम गमने राजन संशयम गंतुमर्हसि, तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए। राम निश्चित ही पराक्रमी है, शूर है, वीर है, समर्थ है, उसके सामर्थ्य में आप शंका नहीं करना। रामम विसर्जय, राम को जाने दो। और ये वचनों ने चमत्कार किया है, दशरथ महाराज के विचारों में पूरी क्रांति हो चुकी है और वे तैयार है, प्रसन्न भी है। राम बेटा, राम बुलाया, राम को बुलाया। सलक्ष्मम सलक्ष्मणम, लक्ष्मण के साथ दोनों को बुलाए, राम लक्ष्मण को बुलाए। दोनों पुत्र जब वहां पधारे हैं, उन दोनों को आलिंगन देते हैं दशरथ महाराज, चुंबन करते हैं उनके मुख का, उन सुकुमार पुत्रों का, बालकों का, और उनके बाल सूंघते हैं। ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीतेर अनंतरात्मना, और बड़े प्रीति पूर्वक उन्होंने दे दिए अपने दो पुत्र विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्रम गतम रामम, अब उनका कार्य सिद्ध हुआ, विश्वामित्र मुनि के आगमन का उद्देश्य सफल हुआ। तो विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं, और पीछे पीछे रामम राजीव लोचनम, तो विश्वामित्र मुनि आगे है, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। ये दृश्य वाल्मीकि मुनि देख रहे थे उन लीलाओं को, और केवल देख ही नहीं रहे थे, जो देख रहे थे सुन भी रहे थे। और ये जो रामायण के अलग अलग कई असंख्य पात्र है, वे कैसे सोच रहे थे, इस बात का भी ज्ञान, इससे भी अवगत हो रहे थे वाल्मीकि मुनि। केवल जो देख रहे थे या सुन रहे थे उसी का पता नहीं चल रहा था, केवल क्या सोच रहे हैं, सीता क्या सोच रही है, हनुमान का क्या विचार है इस समय,
विचार तो हुआ। कई बार कहा भी जाता है, कह के सुनाया जाता है, लेकिन कई विचार तो मन में ही रहते हैं। ऐसे विचार का भी ज्ञान होता था इस ग्रंथकार को वाल्मीकि मुनि। वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यः, मुझे जानने के लिए वेद है। भगवान कहते हैं ये वेद है, रामायण वेद है, पुराण है ये। वेद या पुराण या भागवत के समकक्ष ये ग्रंथ है रामायण। और राम अगर साधारणी होते तो 10 लाख वर्ष पूर्व के किसी व्यक्ति का चरित्र क्या अब तक उसका बखान व्याख्यान होता क्या? दस लाख वर्ष पूर्व और भी तो असंख्य लोग थे, उसमें से कुछ जो इस लीला में से जुड़े हैं उनका नाम भी है। उस राक्षस का भी नाम हो गया, किंतु कई सारे मच्छर जैसे जन्मे भी और मरे भी। 10 लाख वर्ष ही नहीं, हर रोज जातश ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च चल रहा है। कौन पूछा? कई सारे आया राम और कई सारे गए भी राम, आया राम गया राम, वैसे राम नहीं है, राम राम है। अनंते योगिनो रमंते योगिनो अनंत, ऐसे राम। जय श्री राम। ऐसे राम विश्वामित्र मुनि कुछ कम पराक्रमी नहीं थे, किंतु जब उस मारीच और सुबाहु के साथ टकराने का लड़ने का प्रश्न था, वो महापराक्रमी विश्वामित्र मुनि सीधे आए हैं अयोध्या। वे जानते थे इस पृथ्वी पर अब बस एक व्यक्ति है जो इन असुरों का संहार कर सकता है, वध कर सकता है, ताड़का का वध कर सकता है। और उन्होंने कहा भी आपके सिवा और अन्य कोई नहीं है। दशरथ भी जाने के लिए था, नहीं मैं जाता हूं, पूरी अक्षौहिणी सेना लेके, एक अक्षौहिणी सेना लेके जाऊंगा, नहीं नहीं केवल राम ही समर्थ है उन राक्षसों का वध करने में। उस पृथ्वी पर संसार में ब्रह्मांड में और कोई शक्ति और कोई व्यक्तित्व नहीं था राम जैसा, राम जैसा सामर्थ्यवान समर्थ भगवान। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशशास्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव इति। ये 6 ऐश्वर्य जिनमें है उनको कहते भगवान, भगवान भगवान भगवाला। इनके पास भग है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वो 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। ऐसे श्री राम को विश्वामित्र मुनि ले जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर। जहां वध होगा इन महाअसुरों का,
विश्वामित्रो ययाग्रे ततो रामो महायशः। तो आगे आगे जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि, ततो रामः और उनके पीछे पीछे बिल्कुल पीछे राम। सौमित्री अन्वगात और उनके पीछे सुमित्रा सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, हवाई जहाज से नहीं जा रहे। नेक्स्ट फ्लाइट। अथवा तो कुछ नहीं है, आकाश में उड़ान होने के बाद अथवा तो कुछ नहीं, ऊपर बोरिंग है। यहाँ गंगा का तट है, सरयू का तट है, गंगा सरयू का संगम है। अरे वन की शोभा है, सौंदर्य है, वहाँ के पक्षी है, उनका चहकना है, वहाँ फूल खिले हैं, सुगंधित मंद मंद हवा बहती है, आकाश में तो हवा भी नहीं है, और निर्मल जल है जिसमें कई स्वच्छंद विहार करने वाली मछलियाँ है, कमल खिले हुए हैं। Not good. तो हुआ राम का संग भी तो कैसे प्राप्त होता, जो वनचर है या जो खग है, खग ख खम आकाश में विचरण करने वाले पक्षी है, या धरती को कैसे स्पर्श होता, प्रतीक्षा कर रही थी कब स्पर्श होगा प्रभु के चरण कमलों का। जैसे ही मुझ पर वो अपना चरण रखेंगे, चिन्ह बनेगा, तो मैं उसको धारण करूंगी एक आभूषण के रूप में। प्रभातायां तु सर्वर सर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनि। तो जा रहे हैं और रात्रि का एक पड़ाव भी हुआ और अब दूसरे प्रातःकाल का समय। तो विश्वामित्र मुनि उठे हैं प्रातःकाल में, ब्रह्म मुहूर्त में वो देखते हैं राम लक्ष्मण तो अभी सोए ही निद्रा में। राजीव लोचना, उन्होंने कहा था, दशरथ जी ने कहा था ये राजीव लोचन है, तो रात्रि के समय तो इसकी आंखें बंद हो जाती है, जैसे कमल का फूल पुनः खिल जाता है। शयानो पर्ण संसरे, तो किस पर सोए रात में, पत्ते पर ही सोए, उसी का बिछाना बनाया, या घास के कोई तिनके घास एकत्रित किया था रात्रि के समय या सायंकाल को, और पत्ते हैं उसी पर सोए राजकुमार। जगाने के लिए तभी कौशल्या नहीं है, यह विश्वामित्र मुनि ही माता है इनके लिए, पिता है, पिता तुल्य है।
उत्तिष्ठ नरद शार्दुल शार्दुला, कहते उठो 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 हे नर श्रेष्ठ श्री राम। कर्तव्यम दैवमान्हिकम, ऐसे कुछ कर्तव्य करो। प्रातकालीन संध्या वंदना देवों के संबंध में जो कृत्य है उसको संपन्न करो। उठो उठो, तो उठे हैं राम और लक्ष्मण। स्नात्वा, स्नान किए। कहाँ स्नान किए होंगे? नदी के तट पर ही तो विश्राम किए थे, वहां जाके स्नान किए। वहां का निर्मल और शीतल जल में गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, मंत्रों का सन्निधिम कुरुम, मेरे पास आना हे गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु, मैं जहां हूं वहां आ जाना। ऐसा मैं जहां स्नान हो रहा है आप आ जाना, नदी और मुझे पवित्र करना। लेकिन यहां ऐसे प्रार्थना की आवश्यकता वहीं पर है, सन्निधिम कुरु, उस पावन गंगा के पावन सन्निधि में ही तो उन्होंने विश्राम किया था और उसी परम पावनी गंगा में ही स्नान कर रहे हैं। स्नात्वा क्रतो उदको, उस उदक से गंगा जल से वीरो, उन वीरों ने, वो वीर है शूर वीर राम लक्ष्मण, जेपतो परमं जपम, और उन जप करना शुरू किया, ध्यान कर रहे हैं राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भी ऐसा ध्यान किया करते थे द्वारका में, ऐसा वर्णन भागवतम में है। भगवान किसका ध्यान करेंगे, अपने भक्तों का ध्यान जरूर कर सकते हैं। दशरथ महाराज का ध्यान, कौशल्या का ध्यान, सुमित्रा का ध्यान, फिर आगे सीता का ध्यान करेंगे। जय श्री राम। यद यद आचरति श्रेष्ठस, ये सिद्धांत है, श्रेष्ठ है नर, श्रेष्ठ है नर शार्दू श्री राम, उनको किसकी भक्ति और किसको प्राप्त करना है हम सबको सिखाते हैं। आदर्श रखते हैं हमारे समक्ष, गुरु को स्वीकार करते हैं। सारे गुरु जिनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे गुरु को वे अपनाते हैं, आदर्श रखते हैं। गंगा में स्नान कर रहे हैं, परमम जपम जप कर रहे हैं। ये प्रातःकालीन कृत्य संपन्न होने के उपरांत में आगे प्रस्थान करते हैं। प्रवास करते करते संगमे शुभे, एक संगम के तट पर पहुंचे हैं। संगम
नदियों का संगम, जाते जाते नदियां मिल जाती है, मिलन होता है। निम्नगा नदी को कहते, निम्न गौ नीचे जाने वाली, ऊंचे स्थान से फिर जल बहता है। निम्न गौ वहां पर एक आश्रम है, उस आश्रम ने और आश्रम में बहु वर्ष सहस्राणी तप्यताम परमं तपः, हजारों वर्षों से तप करने वाले वहां के तपस्वियों को देखा, जब राम और लखन के लखन लक्ष्मण ने जब देखा तो वह ये हजारों वर्ष की क्या बात है, आपको ये अतिशयोक्ति नहीं है, हजारों वर्षों से जो वहां जो तपस्या कर रहे थे, इन्हें कि एक बैच के बाद दूसरी बैच आके वहाँ, वैसे भी होता होगा, होता है, किंतु ये ही जिनको वे देख रहे हैं वे हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, इतनी आयु हुआ करती थी। शरदम शतम पश्यामः, अभी तो आयुष्मान भव, दीर्घायुषी भव, तो कितनी ज्यादा ज्यादा कितनी आयु हो, थोड़ा लंबा खींच के हम कहते हैं सौ ऋतुओं को देखो तो, या शरद ऋतुओं को देखो, इतनी लंबी आयु हो तुम्हारी। लेकिन एक समय एक एक लाख वर्ष मनुष्य जीते थे इस पृथ्वी पर सत्ययुग में, तो त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक आयु, द्वापर में 1,000, तो इस कलयुग में 100, और मुश्किल से अभी तो साउथ अफ्रीका में केवल 33-34 वर्ष आयु, एवरेज औसत कह देगा, औसत सरासरी यहाँ तक, और आने वाले इसीलिए जल्दी करना आप भगवान के धाम लौटना, ऐसा भी समय है। तो हजारों, कल हमने दशरथ महाराज ने कहा मैं 60,000 वर्ष के उपरांत मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, इतनी प्रार्थना, इतना क्या तपस्या की हमने, यज्ञ किए, और ऐसे 60,000 वर्ष के उम्र में जिस बालक को मैंने प्राप्त किया पुत्र को, उनको ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं, ओ हजारों वर्ष वर्षों तक जीते थे मनुष्य, 60,000 वर्षों तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो ऐसे कुछ तपस्वियों को देखा है राम लक्ष्मण ने। कश्या अयम आश्रम पुण्य को, तो किसका आश्रम है ये? वैसे इन्होंने कभी अयोध्या के बाहर गई ने, 16 वर्षीय 16 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, ऐसे उम्र में उनको ले गए। तो नरलीला में, और ये नहीं कि प्रभु का कुछ ज्ञान नहीं है, अभिज्ञ है स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, सर्वज्ञ होते हुए भी उनको ये नाटक करना पड़ता है, हमको तो कुछ पता नहीं है, अनाड़ी है, हम अज्ञ है, बताइए आप। तो हुआ तो विश्वामित्र मुनि समझाते, ये जो आश्रम है
इसी आश्रम में एक समय शिव जी निवास करते थे। स्थाणुम, भगवान शिव का एक नाम स्थाणुम, नियमेन समाहितम, यही रहते थे शिव जी। और वे भी इसी आश्रम में ध्यान किया करते थे, तपस्या करते थे शिव जी। उन्हीं का है यह आश्रम। और क्या वैशिष्ट है इस आश्रम का, इसी आश्रम में जब शिव जी रहते थे, एक दिन की बात है, कुछ लंबी बात नहीं है, लेकिन है एक दिन की बात, छोटी सी, मोटी भी हो सकती है। कामदेव आ गए, कंदर्प आ गए, भक्तों के और भक्ति के शत्रु आ गए, एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये काम, ये क्रोध तुम्हारे शत्रु है, काम नंबर एक का शत्रु है, भगवान ने कहा। तो वो कामदेव आ गए। शिव जी जहां कोई तपस्या करते हैं, ध्यान में लगे, वहां जरूर ये काम पहुंच जाता है। उसके हाथ में धनुष बाण होता है और उस ध्यान करता को, उस तपकर्ता को घायल करता है। बाण सीधे उसके हृदय में पहुंचाता है, घायल करता है, तड़पने लगता है, काम से वशीभूत होता है। कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम को भूल जाता है। ऐसा ही उद्देश्य लेके आया हुआ वो कंदर्प, वो काम, गच्छन्तम समरुद्गण, उनके शिव जी के जो भी परिकर है उनके साथ में, उनको साथ लिए शिव जी जा रहे थे। कंदर्प को उन्होंने देखा, मूर्तिमान आसित, एक समय ये कंदर्प मूर्तिमान, उसका अपना रूप हुआ करता था, कामदेव एक देवता है, ये इंचार्ज है काम का, ये अधिष्ठाता देव है, देवता। तो शिव जी ने जब देखा इस कामदेव को, तो शिव जी क्रोधित हुए और उस क्रोधाग्नि ने भस्म किया इस कामदेव को। ये भी सुनते, यहाँ यो वर्णन नहीं है, शिव जी ने अपना त्रिनेत्र, शिव जी के त्रिनेत्र भी है, पंचमुखी महादेव है और एक एक मुख में तीन तीन आंखें हैं, तो तीसरी आंख उन्होंने खोली और अग्नि से उन्होंने उस काम भस्म किया। स्वात् सर्व गात्राणि दुर्मते, उसी के साथ उस कामदेव के सारे जो अवयव थे, अंग थे, वो जीर्ण शीर्ण हुए, नष्ट हुए। वो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका उसका रूप नहीं रहा, वो अनंग बन गया, अनंग, अंग अनंग, अंग बिना, इसका अंग नहीं है, अवयव नहीं है, इसका पहले सा रूप मूर्तिमान नहीं रहा। इसलिए अब कामदेव का नाम अनंग भी है, कामदेव का नाम अनंग है। गायत्री मंत्र में भी
काम देव का नाम आता है अनंग, इसका अंग नहीं है, अंगहीन। और जिस प्रदेश में ये घटना घटी या जहाँ पर यह आश्रम था वहीं पर यह घटना घटी, तो उस प्रदेश का नाम हुआ अंगदेश। अंगदेश से उस स्थान विख्यात हुआ। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ते हैं, एक स्थान पर आते हैं, उनको भी नदी को पार करना है। उपस्थाप्य शुभाम नावम आरोहतु भवान नावम। तो विश्वामित्र मुनि, ए राम लक्ष्मण आजा, बैठो बैठो, इस नौका में बैठो। बालकों के लिए कुमार ही है, कभी बैठे नहीं थे नौका में। जैसे कृष्ण बलराम भी कभी रथ में नहीं बैठे थे, कंस ने जानबूझकर रथ भेजा था, रथ को ले जाना अक्रूर जी, रथ को ले जाना। रथ को देखते ही ये बालक बैठना पसंद करेंगे उस रथ में, फिर उनको लाना आसान होगा। तो वही कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, और ये भी कुमार है, उन्हें दुनिया नहीं देखी है, भ्रमण नहीं किया पहले का, नदी के तट पर है। तो जब कहा अब उपस्था तो आरोह तो बैठो, बैठिए बैठो इस नौका में, तो तुरंत बैठे हैं इस नौका में। नौका गंगा के मध्य में है। उस समय की गंगा, अब की गंगा क्या, उस समय की गंगा का दर्शन तो हम शास्त्र चक्षुषः, शास्त्रों की आंखों से ही उस समय की गंगा या उस समय का जो भी अयोध्या या मथुरा का दर्शन कर सकते हैं। तो उस समय की गंगा का जो जल, सत्पुरुषों का जो मन, सत्पुरुषों के मन जैसा निर्मल होता है, वैसा ही गंगा का निर्मल जल और मंद हवा, सुगंधित हवा बह रही है जो नौका विहार के लिए अनुकूल भी है। तो कुछ ही दूरी पर गए, मध्य में है गंगा के मध्य में। तत्र शुश्राव वै शब्दम तो यश तस्य शब्दस्य निश्चयम् ज्ञातु कामो महातेजा सह रामा कनीयसा। तो राम और लक्ष्मण कुछ विशेष आवाज को सुन रहे थे। ये कैसी आवाज है, उन्होंने पूछा, ये कैसे शब्द हम सुन रहे हैं। तो एक नदी का जल दूसरे नदी में वहां मिल रहा था, टकरा रहा था, उसके शब्द उसकी ध्वनि को वो सुन रहे थे, इसलिए जिज्ञासु होके वो पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि, अथ रामास सरिन मध्ये प्रपच्च मुनि पुंगवम किमयम तुमुलो ध्वनि। वो तुमुल ध्वनि या कोलाहल, वो जो सुना है और जिज्ञासा की है, तो विश्वामित्र मुनि सुनाते हैं। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम
कैलाश पर्वत में एक सरोवर है, ब्रह्मणा नरशार्दुल तेनेदम मानसम सरह, और उस सरोवर का नाम है मानस सरोवर, मानस सरोवर, मानसम सरह। और ये सरोवर बना है ब्रह्मा के मन से बना है, ब्रह्मा के निर्मल मन से, निर्मल भावों से बना हुआ है ये कैलाश के मध्य वाला कैलाश पर्वते मनसा निर्मितम, मन से बनाया, ब्रह्मणा ब्रह्मा ने बनाया। तो ब्रह्मा के मन से मानस सरोवर कैलाश पर्वत में बना, और ऐसा एक समय था कैलाश पर्वत वो मानस सरोवर का जल तो मानस सरोवर में ही था, वहां से कोई नदी नहीं बहती थी, और अयोध्या भी किसी नदी के तट पर नहीं थी। अयोध्यावासी जरूर चाहते थे ये धाम, ये स्थान, ये पुरी किसी नदी के तट पर हो। तो उसी नदी का जल सरह, मानसम सरह, तो सरह से सरयू, उस वही मानस सरोवर का जल से बन गई नदी जो अयोध्या के पास से बहती है। ऐसा इतिहास विश्वामित्र मुनि समझाए, और विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम प्रणामम नियता कुरु, नमस्कार करो, नमस्कार करो, इन नदियों को नमस्कार करो, ये गंगा और सरयू के इस संगम को नमस्कार करो। तो राम और लक्ष्मण प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय गंगे, जय गंगे, जय सरयू मैया की है। नदी के तट पर आए हैं, और वन में प्रवेश है, अब उस प्रदेश में पहुंचे हैं जहां यक्षिणी कामरूपिणी, ये ताटका, ताड़का या ताटका दोनों भी, ताटका यक्ष की, क्या नाम उसका, या सुंदस्य सुंद नामक यक्ष की ये पत्नी थी, यक्षी यक्षिणी कामरूपिणी, अपनी इच्छा से जो चाहे रूप धारण कर सकती थी, इसलिए कामरूपिणी कहा। बलम नाग सहस्रश्य धारयंती तदाह्य भूत, बड़ी बलवान थी, 1000 हाथियों का बल धारण करती थी, नाग सहस्रश्य, नाग या नग मतलब पर्वत भी होता, न मतलब नहीं, ग मतलब जाता नहीं, जो स्थिर रहता है एक ही स्थान पर, न ग स्थावरा नाम हिमालय स्थावर होता है, स्थावर जंगम मालमता, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज स्थिर, तो ये न ये पर्वत, पर्वत या हाथी, हाथी यहाँ कहा है, यह हाथी भी बलवान होता है, हाथी बलवान होता है, तो हाथियों का बल, हजारों हाथियों का बल धारयंती तदा, ऐसी ये यक्षिणी कामरूपिणी, मारिचो राक्षसा पुत्रो, और इसी का पुत्र है
ओ मारिच, जिसका नाम पहले विश्वामित्र मुनि कहे थे, उस मारिच के वध के लिए आ जाओ। उस मारिच का और ताड़का का परिचय, त्रासयते प्रजह, तो भयानक आकार वाले ये राक्षस जनता को सदैव त्रास कष्ट देते रहते हैं। अतः एव च गंतव्यम, इसलिए चलो हम उसी वन में आगे बढ़ते हैं जिस वन में विचरण करती है ये यक्षिणी काम रूपिणी। सुबाहुबलाश्रित्य जहिमाम दुष्ट आचरणीम, तो अपने स्वबाहु बल के सहारे, तुम दोनों बलवान हो, महाबाहु महाबाहु हो, अपने बल का के आश्रय से जही जहिमाम का वध करना है। बड़ी दुष्ट है ये राक्षसी। परम दारुणाम, और आप अगर इसका वध करोगे हे राम और लक्ष्मण तो क्या होगा, गो ब्राह्मण हितार्थाय, गायों का ब्राह्मणों का जनता का हित होगा इसमें, इसीलिए जहि दुष्ट पराक्रमाम। ये इसका भी पराक्रम है लेकिन दुष्ट पराक्रमाम, ये कुछ कम पराक्रम वाली नहीं है ये यक्षिणी काम रूपिणी, किंतु इसका जो पराक्रम दुष्ट पराक्रमाम, इसीलिए जहि इसका वध करो। तो राम को प्रेरणा ये वचन जो कहे है विश्वामित्र मुनि ने, तो उसके उत्तर में राम दहा हा गो ब्राह्मण हितार्थाय देशश्च देशश्च हिताय च, जो भी कार्य गो और ब्राह्मण के हित के लिए और देश की जनता के हित के लिए है, वचनम कर्तुमुद्यतः, मैं तो कर्तव्य परायण, मैं तो ऐसा कार्य करके ही रहूंगा। इसमें नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय की और ब्राह्मण की सेवा उसमें हित है तो ऐसा कार्य जरूर करूंगा। और ऐसा भी कहे ही नहीं, एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये, उन्होंने अपना धनुष धारण कर लिया बाएं हाथ में, मध्य में उसको धारण किया है। बद्ध्वा मुष्टिम अरिन्दमः, और चढ़ाए है प्रत्यंचा, तीव्रम दिशः शब्देन नादयन, प्रत्यंचा की टंकार को सुनाए है, अलग रिहर्सल चल रही है। और राम ने जब उस धनुष की जो डोरी प्रत्यंचा कहते हैं उसको खींचा और छोड़ दिया, उसके साथ जो नाद उत्पन्न हुआ, तेन शब्देन वित्रस्ताटका वासिना, तो उस वन के जितने भी वासी निवासी थे, जीव जंतु थे, और ताटका भी शब्देन मोहितः, सब मोहित हुए और सब कांपने लगे, सब दिशाएं गूंज उठी उस टंकार के नाद से। और जब राक्षसी ने उस टंकार ध्वनि को सुना है, तम शब्दम अभिनिध्याय राक्षसीम क्रोध मूर्छिना,
और क्रोधित हुई और क्रोधांध भी हुई है। इतनी क्रोधित हुई है कि उसको हुआ क्रोधांध, अंधी हुई है मानो। अब जाना है तो कहाँ आगे बढ़ना उसको पता नहीं चल रहा है। व्यक्ति क्रोधांध होता है या मदांध होता है, धनांध होता है, ये सारे जो षड्रिपु उसको अंधे बनाते हैं, अंधा बनाते हैं। तो क्रोधांध या कामांध, यह इस ताटका को राम के धनुष की टंकार की नाद ने क्रोधित बनाया और क्रोधांध हुई है। क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः, और प्रयास कर रही है उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जिस दिशा से वो टंकार की ध्वनि उसने सुनी है या अभी शायद सुन ही रही है। और वो जैसे आगे बढ़ी है जहाँ राम और लक्ष्मण थे और विश्वामित्र मुनि भी थे, तो कुछ करीब आई है ताटका, तो राम कहते पश्य लक्ष्मण, देखो देखो लक्ष्मण, यक्षिण्या भैरवम दारुणम वपुः, उस दारुण रूप वाली भयंकर रूप वाली उस राक्षसी को तो देखो। भिद्देरन दर्शना अश्यः भीरुणा हृदयानि च, कोई भीरु है कोई डरपोक है तो इसको देख ही कोई डरे या मरे, ऐसा है इसका भयानक रूप तो देखो। एताम पश्य दुरार्धर्ष माया बल समन्वितः, और इसका मायावी बल के साथ युक्त है, बहुत बड़ी बलवान है, लेकिन आज विनिवृत्ताम करोम्यद्य, इसको लौटाऊंगा मैं, लेकिन कैसे लौटाऊंगा, रित करना नासिकाम, रित इसके कान काटूंगा, कान और नासिका काट के इसको भगाऊंगा यहां से, रित करना नासिकाम। एवं ब्रुवाने रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहु गर्जंती रामम एवं अभ्यधावत। तो राम ये वचन कह ही रहे थे तो वो ताटका ने अपने उद्यम्य बाहुम और गर्जंती अपने हाथ उठाए हैं, नाखून भी होंगे उसमें आकर के, दांत भी उस भयानक रूप के साथ, वो आगे बढ़ रही है गर्जना करती हुई और बड़ी क्रोधित है। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि अभिभर्ष्यताम स्वस्ति राघवोर अस्तु जयम्। तो हुआ विश्वामित्र मुनि वही पास में ही वो कह रहे जय हो रघुकुल, राजकुमारों की जय हो, जय हो राम लक्ष्मण की जय हो, जय हो स्वस्ति, धन्यवाद, धन्य हो, धन्य हो, जय हो, जय हो, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका जय घोष कर रहे हैं। उदधुन्वा नारजो घोरम ताटका राघवो उभो रजो मेघेन महता मुहूर्तम सा व्यमोहयत। तो ताटका ने रजो मेघेन धूल का बादल, इतना धूल उड़ा रही है अब जहाँ राम और लक्ष्मण थे, मानो धूल के बादल आंधी तूफान जैसी स्थिति वहाँ
मच गई है, जिसके कारण मुहूर्तम कुछ घड़ी दो घड़ी के लिए राम लक्ष्मण भी थोड़े मोहित से हुए। दिन के समय ही मानो अंधेरा छा गया, सर्वत्र धूल ही धूल, आंधी तूफान, धूल के बादल। ततो और इसके उपरांत शीला वर्षेन राघवो, दोनों भी राघ, दो राघव है, राम भी राघव है, लक्ष्मण भी राघव है, इन दोनों के ऊपर शीला वर्षेन, शीला की कंकड़ और पत्थरों की वर्षा कर रही है। शीला वर्षम महत्तस्या शरवर्षेन राघवः करो चिच्छेद पत्रिभिः। तो जिस जिन हाथों के उपयोग से प्रयोग से वो शीला फेंक रही थी, कंकड़ फेंक रही थी, राम ने क्या किया, उसके हाथ ही काट लिए। हरि बोल। करो चिच्छेद पत्रिभिः तच्छिन्न भुजां श्रांता। जब दोनों हाथ ही नहीं रहे उसके और श्रांता थकी हुई है, अरे वो थकी हुई लग रही है, परिगर जतिम और गर्जना तो खूब कर रही है। सौमित्रिम करोत् क्रोधात् धृतकर्णात् नासिकाम्। तो ये बड़ी काम रूपिणी, ऐसा परिचय तो दिया ही था। काम रूप धरा सा तु कर्त्वा कृत्वा। तो जब हाथ ही उसके नहीं रहे, राम ने हाथ काटे और लक्ष्मण ने उसके कान और नाक भी काट लिया। लक्ष्मण स्पेशलाइज्ड इन कटिंग नोज। आगे शूर्पणखा का भी वही नासिका काटेंगे। राम ने हाथ काटे हैं तो लक्ष्मण ने उसका कान और नाक ही काट लिया। तो हाथ नहीं रहे, कान नहीं रहे, नाक नहीं रहा जब, तो इस काम रूपी ने क्या किया, अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। अपनी माया से क्या हुई है, अंतर्धान हो गई। वह होती हुई भी नहीं के बराबर ही तो थी, लेकिन अदृश्य हुई, अंतर्धान हुई। अश्मवर्षम विमुंचंती भैरवम विजचार। तो वही पर भ्रमण करने लगी और ये पत्थरों की वर्षा करना उसका कार्य जारी रहा। पत्थर कंकड़ तो फेंकती रही। अलम ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। और विश्वामित्र मुनि कहते हैं, नहीं इसको छोड़ना नहीं, इस पर दया नहीं करो श्री राम, वध्यताम, इसका वध करो। और वध भी कब होना चाहिए, पूरा संध्याम प्रवर्तते, संध्या होने के पूर्व इसका वध होना चाहिए। क्यों, रक्षांसी संध्या काले तू दुर्धर्षानि भवन्ति ही। ये जो राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं, रात्रि के समय अधिक बलवान होते हैं, इनको शक्ति प्राप्त होती है, अधिक बल आता है इन राक्षसों में रात्रि के समय। तो संध्या काल होने जा रहा है, उसके पहले वध्यताम ताम रुरोध सहसायकै। तो फिर राम ने पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए सारुद्धा बाण जालेन, इतनी बाणों की वर्षा की है राम ने, उसको बद्ध किया, उसको
वह जहाँ है सर्वत्र बान ही बान है, वो वहाँ से हिल नहीं पा रही है, बद्ध हुई है। और उसी स्थिति में अब उसका जो भ्रमण था, जो चलायमान मानो बिजली जैसी, कहीं यहाँ पर कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी वहाँ, तो वह अब एक स्थान पर उसको बाणों से बद्ध किया है। तो शरेन वुरसी विव्याध साप पात ममारच, बाण से सीधा वक्षस्थल में प्रहार किया है और उसी के साथ अपात ममारच नीचे गिरी है। और जय श्री राम, राम लक्ष्मण के जय हो, स्वाहा शुरुआत हो गई। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए जो भगवान प्रकट होते हैं, तो इसका शुभारंभ आज हुआ ताड़का के वध के साथ, जो महाभयानक बड़ी शक्ति थी इस संसार में उस समय, दुष्ट पराक्रम था उसका, उसका वध किए है श्री राम। जय श्री राम। तो राक्षसी का वध किए है यह श्री राम, पहला वध राक्षसी का। और कृष्ण लीला में पहला जो वध हुआ है वो भी राक्षसी का ही था, न जाने क्यों। भगवान जाने। तो और कई सारी लीलाएं चलती रही, कई सारी जिज्ञासाएं भी राम लक्ष्मण की, ये क्या है वह क्या है, सारा गंगा का इतिहास, गंगा कैसे स्वर्ग में पहले थी, पृथ्वी पर थी नहीं, कैसे पृथ्वी पर लाए आई, किसने लाया, सारा इतिहास, कई सारे चर्चाएं, प्रवास चलता रहा। वैसे मारीच का भी वध तो नहीं किया है, मारीच बाण से उसको ऐसा उड़ा दिया, लंका में पहुंचा दिया मारीच को, तो भविष्य में उसका उपयोग है लीला में, रावण उपयोग करेगा। तो वाह, अहिल्या का उद्धार है राम के चरण स्पर्श से, अहिल्या का उद्धार। जय श्री राम। हमारा भी पत्थर जैसा हृदय, उसको भी राम अगर स्पर्श कर सकते हैं, राम की लीला अगर स्पर्श करेगी, पत्थर उधार की आशा है। तो विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण राम को जनकपुरी ले जाते हैं। जनक महाराज स्वागत करते, भगवन् स्वागतम् ते अस्तु किं करोमि तवा नघ अनघ। अब अनघ निष्पाप हो आप, तो हम आपका स्वागत करते हैं।
आप आज्ञा कीजिए, उस आदेश का हम पालन करते हैं। ये नगरी आपकी है, स्वागत है इस नगरी में। तो विश्वामित्र मुनि परिचय देते हैं राम लक्ष्मण का। ये जो पुत्र है, पुत्रो दशरथस्यैमो क्षत्रियो लोक विश्रितो, ये दशरथ के पुत्र है इनका राम। ये राम है, ये है लक्ष्मण। एतद् दर्शय भद्रम, और यह आने का हमारा जो उद्देश्य है, ये बालक उस धनुष को देखना चाहते थे। आपके नगरी में कोई विशेष धनुष है, ये जब उन्होंने बात सुनी तो बड़े उत्कंठित है, तब से उस धनुष का दर्शन करना है इन दो बालकों को। दर्शय भद्रम, धनुषो यस यथेष्टम प्रतियाश्रतः। वो दर्शन करते ही फिर ये बालक अपने गांव अयोध्यापुरी लौटेंगे, तो दर्शन कराइए। दर्शन करने के लिए तो मना नहीं है, आहाँ कराएंगे दर्शन, कराते हैं दर्शन। उसके पहले जनक महाराज कुछ सुनाते हैं उस धनुष संबंधित बात। तेषां वरतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीं इक्षुदां वीर्यशुक्लेन भगवन् न ददामि सुतामहम्। कहते कि मेरी जो पुत्री है सीता, ये वीर्य शुक्लेति, उसका विवाह उसी महापुरुष महापराक्रमी महावीर के साथ होगा जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वीर्य शुक्ल, ऐसा शुक्ल, ऐसा कीमत मैंने निश्चित की है, उसी को प्राप्त होगी मेरी पुत्री सीता। ऐसे ही किसी को फ्री में नहीं दे दूंगा, मैं उसी को दे दूंगा, मेरी शर्त है। वीर्य शुक्ल थी, क्या शुक्ल है, जो भी इस धनुष को उठाएगा। तेषां वरतां कन्यां, तो कई सारे पृथ्वीं पृथ्वीपति यहां आए हैं उस अभिलाषा से मेरे पुत्री को प्राप्त करने हेतु। कई आए और कई नहीं, सभी गए भी। ततः सर्वे हे मुनि पुंगव मिथिलाम उपागम्य वीर्यम जिज्ञास, तो कई सारे जिज्ञासु, कई सारे मुमुक्षु उस इच्छा से यहाँ पधारे और असफल होके लौटे हैं। ये धनुष शिव जी का धनुष है, तो आज तक तो न तो कोई इसको हिला पाया है, न तो प्रत्यंचा चढ़ा सका है कोई। किंतु ये बालक देखना चाहते तो देखे सही, ऐसा कहते हुए जनक महाराज ने व्यवस्था की। हा, ले आना, ले आओ धनुष को। धनुर्दर्शय रामाय, दिखाओ राम को ये धनुष। इतना विशाल धनुष था ये, यानी कोई कुछ व्यक्ति उसको उठा के लाए हैं या वर्णन है, एक संदूक में रखा है, कोई विशेष बॉक्स, कोई क्रेट बना हुआ है, उसमें रखा है, उसमें
ठेले पर उन्होंने उसको लोड किया है हैंड कार्ट, जिसके अष्टचक्राम 8 पहिए है उस ठेले के। नॉर्मली कितने होते हैं? एक भी होता है, कभी कभी दो होते हैं, बाइसिकल वाले होते 4 होते हैं। और मोटी लॉरी है बहुत, कोई स्टील वगैरह ले जाना है तो फिर लंबी लॉरी और कई सारे पहिए होते हैं, कई एक्सल्स, कई व्हील्स, तो ये बहुत भारी बोझ वाला तो 8 पहिए उसमें चक्र थे। और कितने लोगों ने उसको ठेल कर वहां पर पहुंचाया? शतानि पंचाशत। कितने? 50,100। मतलब कितने हो गए? 50,100 मतलब 5,000। 5,000 लोग उसको ढकेल के वहां बड़े मुश्किल से कथंचना किसी तरह somehow बड़ा प्रयास करके वहां 5,000 लोग उसको, वो भी कंधे पर नहीं, वो भी ठेले पर रखा है, पहिए है, ढकेलते ढकेलते 5,000 लोग उसको वहां पहुंचाए। बाप रे बाप आप कहोगे, पुनः कहते न एतद् सुरगणः सर्वेशा असुरा न च राक्षसः। अब तक न तो कोई सुरगण, कोई देवता, न तो राक्षस, न असुर, न गंधर्व, यक्ष, किसी ने भी इसको कोई उठा पाया है। पुनः याद दिलाते हैं, इसका महात्म्य समझाते हैं इस धनुष का। वत्स राम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत। देखना चाहते हो? देखो देखो, राम लक्ष्मण आगे बढ़ो, देखो इस धनुष को। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। ताम अपावृत्य, उसको ढक के रखा था, ऊपर वाला कोई ढक्कन है, कवर है, उसको उठाए हैं और अंदर देखते तो इतना लंबा चौड़ा भारी विशाल धनुष है। तो राम कहते हैं, हाँ हाँ यत्नवांस, मैं प्रयत्न करता हूँ मैं प्रयत्न करता हूँ। खूब सुना था उसने, किसी राजा ने नहीं, कहीं किसी ने रंक ने नहीं, किसी राक्षस ने नहीं, सूर ने नहीं, यक्ष ने नहीं, कोई नहीं उठा पाया है, इतना सारा सुन रहे थे अब तक। तो राम कहते मैं थोड़ा प्रयत्न कर सकता हूँ, यस इफ यू डोंट माइंड। पानीनाम भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। उसको उठा के प्रत्यंच चढ़ाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। बाढ़म, ये सुनते ही इसका अनुमोदन हुआ है। हाँ हाँ वैसा ही करो करो करो, विश्वामित्र मुनि और जनक राजा ने कहा, हाँ आगे बढ़ो उठाओ। लीलया च मधुर धनुर्मध्ये जग्राह वचनाद् मुने पश्यताम् नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलम् इव तद्धनुः। जब हजारों लोग, जब उन्होंने कहा मैं प्रयत्न करता हूँ, तो कई ने सोचा, कई देखे हैं हमने, कईयों को देखा है, वन मोर, और एक ये भी आ गए, हाँ देखो हाँ उठाओ।
तो हजारों लोग जो उपस्थित जनकपुरी के जन, हाँ, उनकी उपस्थिति में वो जब देख ही रहे थे, राम ने लीलाया अपनी लीला, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ से उठाए होंगे, बाएं हाथ से मानो लीला खेल जैसा उन्होंने उस धनुष को उठाया। और केवल उठाया ही नहीं, आरोपित्वा वो जो प्रत्यंचा है, उठाया एक हाथ से उठाया, अब दूसरे हाथ में जो प्रत्यंचा है, प्रत्यंच डोरी है, उसको खींचे हैं कान पर्यंतम, उसी के साथ तद्भंज मधुर धनुर मध्ये नर श्रेष्ठो महायशः, उस धनुष के दो टुकड़े हो गए, तस्य शब्दो, और जब उसके वो टूटा मध्य में वो धनुष, जब उसे जो ध्वनि उत्पन्न हुई मानो कोई वज्रपात हुआ है, भूमिकंपश्च सुमहान, कोई भूमिकंप आ गया है या मानो पर्वत फट गया है, ऐसा अनुभव सभी ने किया। और उस सब भी जो घटनाएं घट रही थी, शब्द का जो ध्वनि थी, निपेतुस नरहा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानं तौ च राघवो, केवल चार लोग ही खड़े थे, बाकी सब लेट गए, ऐसे कैसे करते करते हजारों लोग जो देख रहे थे, उसकी टंकार की ध्वनि सुनी और भूकंप जैसा और पर्वत फटा, क्या हुआ तो सब गिर गए। चार व्यक्ति जो खड़े रहे वे थे विश्वामित्र मुनि, राजा जनक, राम और लक्ष्मण। और जब प्रत्यास्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः प्राञ्जलिर्वाक्यं मुनिपुंगवम् उवाच मुनिपुंगवम्, तो थोड़ी देर में जब ये हजारों लोग थोड़ी चेतना पुनः आ गई और एक एक करके खड़े होने लगे, आंखें खोल रहे, क्या क्या कर रहे और हुआ क्या, और भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजा, अद्भुतम अचिंत्यम च अकीर्तिम इदम मया। और जनक महाराज के हा हा यस मैंने देखा, मैंने शायद सुना था, लेकिन मैंने आज क्या देखा, मैंने आज देखा, मैं साक्षी हूं, वीर्यो वीर्य देखा, बल को देखा मैंने, सभी ने भी देखा लेकिन मैंने देखा, मैंने जरूर देखा। रामः दशरथात्मजः
दशरथ आत्मज राम का वीर्य मैंने देखा, कैसा है वीर्य शौर्य का, अत्यद्भुतम, अत्यद्भुत है। अचिंत्यम, चिंता के, चिंतन के परे है। ओ भगवान की शक्ति, ओ बलवान होते, हमने सुना भगवान बलवान होते, और कितने बलवान होते होंगे, मुझसे शायद दो गुना बलवान हो सकते, नहीं उससे दस गुना तो हो सके, नहीं नहीं उससे भी हजार गुना जीव नहीं सोच सकता। भगवान में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य, अचिंत्यम जीव नहीं सोच सकता। उस शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अत्यद्भुतम अचिंत्यम च अतर्कम इदम, और कोई तर्क वितर्क भी संभव नहीं है भगवान के वीर्य और सभी षड ऐश्वर्य को जीव अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता। इसलिए मेढक, कूप मेढक, कूप मंडुक वृत्ति कहते हैं। एक था कुएं में रहने वाला मेढक, तो एक दिन आ गया सागर में रहने वाला मेढक आ गया, तो कुएं में रहने वाला मेढक पूछता है, कहाँ से आए हो, स्वागत है आपका, मैं सागर से आया हूँ। वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा विशाल वाटर स्टोरेज जलाशय होता है, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मेरा जो कुआ है इसे बड़ा है क्या, ऐसे बहुत बड़ा है, दुगुना दुगुना, नहीं नहीं इसे क्या जी, पांच गुना। तो कुएं में रहने वाला मेढक क्या सोच सकता है, अपना कुएं का उसको अनुभव है और अनुभव है नहीं, तो वो सोचेगा इसके दस गुना, इसके सौ गुना। तो ये मेढक है कूप मंडुक, प्रभुपाद क्या कहते डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, ये डॉक्टर पीएचडी वगैरह किया इसने, एमए किया, फिर आगे पीएचडी भी कर लिया, लेकिन है कौन ये डॉक्टर फ्रॉग, वही मेढक जो कुएं का मेढक ही है, ज्यादा नहीं जानता है। अचिंत्यम अपकीर्तिम इदम मया, और अब जनक महाराज कुछ आगे की बात कह रहे हैं। जनकानाम कुलेम कुले कीर्तिम आहरषति मे सुता सीता भरतारम आसाद्य रामम दशरथात्मजम। सीता माता की जय, सीता। अब जनक जी कहा, हाँ मेरी सीता, अब मेरे सीता के भर्ता होंगे, रामम मेरे सीता के पति रूप में होंगे श्री राम, दशरथ आत्मजम। और इसी के साथ जनक वंश की, जनका नाम कुले, जनक वंश की जो कीर्ति है उसका विस्तार करेगी सीता। इस वंश का इक्ष्वाकु वंश के साथ संबंध स्थापित होगा राम की, जब ये राम प्रिया बनेगी तो कीर्ति बढ़ेगी हमारे कुल की। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुक्लेति कौशिक सीता प्राणैर् बहुमता देया रामाय मे सुतः। वैसे ये सीता मेरे लिए प्राण से भी अधिक प्रिय है, प्राणैर् बहुमता, प्राण से भी अधिक प्रिय है ये सीता, देया रामाय मैं दूंगा इसको, रामाय, राम को मैं देता हूं,
मैं सुता मैं सुता मेरी पुत्री मम सत्या प्रतिज्ञा। और इसी के साथ मेरी जो प्रतिज्ञा थी जो वीर शुक्ला मेरी पुत्री उसी को दे दूंगा जो इस धनुष को उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाने वाले को मेरी पुत्री प्राप्त होगी और किसी को नहीं अन्य किसी को नहीं। तो उस प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा भी सत्य हो रही है और घोषणा हुई। अब अयोध्यां प्रेषयामास तुरंत ही समाचार भेजा गया पत्र भेजा संदेश वाहक भेजे संदेश ये कि आप आइए बारात लेके आइए। माता पिता आ सकते हैं पिता और तीनों माताएं और अयोध्यावासी स्वागत है। ये भी समाचार कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेके जनकपुरी में पधारे हैं कुशल है ये तीनों भी और आगे की घटना ये घटी। और तो घोड़े पर सवार होके ये गए हैं संदेश वाहक पत्र वाहक। और समाचार जैसे ही वहाँ पहुँचा तो क्या कहा जाए इसी की प्रतीक्षा थी इसी की चिंता थी। दशरथ नंदन दशरथ महाराज को अपने बांधवों के साथ उपाध्यायों के साथ वही तो विचार विमर्श हो रहा था कैसे होगा कब होगा विवाह हमारे बालकों का। वशिष्ठ जानते थे आगे के घटनाक्रम इसीलिए जाने दो भेजो इसको सब व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था हो गई उसी के साथ सारी समाचार अयोध्या से जनकपुरी तो सबके समक्ष आगे आगे कौन है वशिष्ठ मुनि आगे वामदेव जाबाली कश्यप दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि आगे आगे जा रहे हैं कात्यायन मुनि वहाँ है ये सभी प्रहर ब्रह्मर्षि आगे आगे जा रहे हैं। और साभे सभी परिवार के सदस्य माताएं दशरथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बारात आगे बढ़ रही है। रास्ते में लोग पूछा क्या हो रहा है कहाँ जा रहे हो रुको रुको तो वहां भी समाचार पहुंचता था ये बारात जा रही है किसकी बारात है कौन है दूल्हा दूल्हा तो पहले पहुंच गया ससुराल वो देखना चाहते थे कौन इतनी बड़ी बारात था उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखी थी ने राजा महाराजा ऋषि मुनि जा रहे हैं रथ घोड़े जा रहे हैं वाद्य नगाड़े बज रहे हैं धुंधुविया बज रही है क्या है शोभा इस बारात की सब चकित हो गए पूछताछ करने लगे। तो दो तो वहां पहुंचे थे समाचार तो ये था कि राम और लक्ष्मण का विवाह की चर्चा या संदेश में था। उस बारात के साथ भरत और शत्रुघ्न तो थे ही ये बात यहाँ तो नहीं है। तुलसीदास राम जी का जो रामायण है उनमें वो और कुछ भाव देते हैं जब पूछा कि कहाँ है
दूल्हा कहाँ है, तो कुछ बार तो कहा वो आगे पहुंच गए, पहले आगे पहुंच गए, लेकिन दशरथ जी को लग रहा था ये तो इससे लोग कुछ प्रसन्न नहीं है कि दूल्हा नहीं, दूल्हे को देखना चाहते हैं, किसी को तो दिखाना होगा। तो ये विचार हुआ कि हाँ हाँ, तो क्यों ना भरत और शत्रुघ्न को हम दूल्हा बनाते हैं, उनकी सारी वेशभूषा दूल्हे जैसी। तो कोई पूछता है तो हाँ ये यही ये है दूल्हा, ये दूल्हे दो है, तो प्रसन्न होते शायद। ऐसा जब प्रस्ताव रखा तो दशरथ जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, विवाह तो उनका होने वाला है और बाद में शादी के उपरांत अगर किसी को पता चलेगा कि आपने तो इनको दिखाया था, कुछ चर्चा होगी, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु उनको ये बताया गया, दशरथ महाराज को ये बताया, नहीं नहीं जो जानते थे, जो त्रिकालज्ञ थे, ये दोनों भी दूल्हे बनने वाले हैं, तो बताया गया केवल राम लक्ष्मण ही दूल्हे नहीं बनेंगे, अब इस विवाह में इनका भी विवाह है, ये भी दूल्हे होंगे। तो ऐसा कहना कि ये दूल्हे है तो कोई झूठ बात तो नहीं है, तो बता दो, बताते जाओ यही दूल्हे है। तो ये बारात पहुंच गई है जनकपुरी में, तो हुआ बड़ा स्वागत हुआ है उस बारात का, और विश्वामित्र मुनि ने एक प्रस्ताव भी रखा है, वही प्रस्ताव है कि आपकी दो पुत्रियां हैं जनक, आपकी दो पुत्रियां हैं सीता और उर्मिला, इनके विवाह तो होने जा रहे हैं, ये बात तो पक्की है ही, किंतु आपके जो भाई है छोटे भाई कुशध्वज, उनकी भी तो दो पुत्रियां है, मांडवी और श्रुतकीर्ति नामक, क्यों ना उनका भी विवाह हो जाए। हमारे पास और दो कैंडिडेट है, और वे भी दशरथ नंदन ही है, दशरथ महाराज के पुत्र है, भरत और शत्रुघ्न। तो कुशध्वज और जनक महाराज वो प्रस्ताव स्वीकार किए हैं, और अब जब अब वो मंगल बेला आ पहुंची है, पूरी तैयारी है विवाह यज्ञ की। जनकवासी अयोध्यावासी वहाँ प्रतीक्षा में हैं। ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां, जनक महाराज स्वयं ही अपनी पुत्री को आगे ले गए हैं, सर्व आभरण भूषिताम, कई आभरण अलंकार समलंकृत सीता समक्ष अग्नि संस्थाप्य, अग्नि के समक्ष और
राघव अभिमुखे, राघव के सामने, राम के सामने आगे सीता को बिठाए हैं। अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंदवर्धनम्। तो जनक राजा कौशल्या आनंदवर्धनम्, सीधे नहीं कहा, राम राम कह सकते थे लेकिन नहीं कह रहे, कौशल्या के आनंद को वर्धित करने वाले हे राम, उनको संबोधित कर रहे। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, मेरी इस पुत्री सीता को सधर्मचरी स्वीकार करो, धर्मचरी धर्म का आचरण करेगी तुम्हारे साथ, दोनों मिलके तुम धर्म का आचरण करोगे। प्रतिच्छ चैनाम भद्रम ते पानीम गणिश्व पानीनाम। इसके हाथ तुम अपने हाथ में स्वी धारण करो। पतिव्रता महाभागा छाए वानुगता सदा, ये पतिव्रता महाभागा सीता छाया जैसी तुम्हारे साथ रहेगी, जैसे छाया को अलग नहीं किया जा सकता वैसे तुम दोनों साथ रहोगे, तुम जहाँ जाओगे सीता वहाँ जाएगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत मंत्रपूतम जलम तदा, इतना जब कहा है तो जनक महाराज ने हाथ में संकल्प का जल लिया है। संकल्प, अब संकल्प ये तो कहे वचन, अब औपचारिकताएँ हैं, विधि है, तो हाथ में जल, जल का स्पर्श करते हुए संकल्प लेना होता है, या गंगा जल का, पवित्र नदियों का, अग्नि साक्षी है, परमात्मा साक्षी है, और ऋषि मुनि गुरुजन साक्षी है, तो उन सबको की साक्षी, उन सबको साक्षी रखते हुए अब संकल्प छोड़ेंगे। और छोड़ ही दिया, स्वाहा उसी के साथ देव दुंदुभिर घोषा। और भी तीन, ये तो एक एक का संकल्प जल चढ़ा उन्होंने छोड़ा। अब लक्ष्मण को भी कहता, लक्ष्मण आगच्छ भद्रम ते उर्मिला उद्यता मया प्रतिच्छ पानीम। हे लक्ष्मण स्वीकार करो, उर्मिला के हाथ को स्वीकार करो, ये तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहेगी। भरतम ग्रहान पानी मांडव्याम, और मांडवी का हाथ हे भरत तुम स्वीकार करो, और शत्रुघ्न, शत्रुघ्नम चापि धर्मात्मा, वे भी धर्मात्मा हर एक अलग अलग विशेषणों से संबोधित किए हैं। श्रुति कीर्तेर महाबाहो पानीम ग्रहीष्व पानीनाम, इसका भी हाथ तुम स्वीकार करो। जनकस्य वचा श्रुत्वा पानीन, तो ये तो सभी चार भाइयों ने इन दो दो बहनों के पानी ग्रहण के हाथ अपने हाथों में चत्वारस्ते, वो चार है, ये भी चार है,
वसिष्ठस्य मते स्थितः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च प्रदक्षिणा कर रही है। अग्नि की, गुरुजनों की, जनक महाराज की। ततश्चक्रुं विवाहं विधिपूर्वकम्, और इस प्रकार विधिपूर्वक ये विवाह संपन्न हो चुका है।